खुल गया। आपके शहर पूर्णिया में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के फर्नीचर के सामान उचित मूल्यों पर उपलब्ध है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गोदरेज, पलंग, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, कुर्सी आदि संपर्क करें। हमारा पता है राजा फर्नीचर, मेहता चौक नहर के निकट, मधुबनी, पूर्णिया। किसानों के आंदोलन में प्रदर्शन दिखाने का जो अलग अलग तरीका है वो हम आपको दिखा देते हैं कि कुछ लोग जो है अलग ही तरीके से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई आवाज़ नहीं है, कुछ मांग नहीं है, कोई नारेबाजी नहीं है, लेकिन उन लोगों ने अपने पीछे ये पोस्टर लगाए हुए हैं, आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं। इस पर लिखा हुआ है, चीर के ज़मीन को उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। ऐसी तमाम तरह के स्लोगन आप इसमें पीछे देख सकते हैं। ये सभी जो लोग आए हैं ये समर्थन वे में हैं और इन लोगों ने अपनी बातें सरकार को दिखाने के लिए यहाँ पर अपने पीछे लिखी हुई हैं और दिखा भी रहे हैं कि किसान तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन। इन्होंने जागरूकता का एक अभियान भी दिया है। वहीं पीछे की जो पूरी चीज़ है वो सब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपने पीछे स्लोगन दिया हुआ है। वहीं लोगों से बातचीत भी करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर उनकी क्या मांग चीज़ है और किस तरह से वो अपने आप को दिखा रहे हैं। जी सर। हाँ जी, ये जो आपने एक स्लोगन का प्रदर्शन दिखाया है, इस तरह से आपको क्या लगता है कि सरकार इससे जाग जाएगी? नहीं, क्यों नहीं जागेगी? क्यों नहीं जागेगी? क्योंकि 6-7 वार्ता हो चुकी हैं, उसमें नहीं जाग पाई, तो ऐसे स्लोगन लगाने से कैसे जाग पाएगी? नहीं, स्लोगन लगाना है, लोग बैठे हैं यहाँ जो है इस आस में ही तो बैठे, कुछ ना कुछ होगा, बिना आस में नहीं बैठे, बिना हो जाने के नहीं अंदर। तो वैसे आप लोग हैं कहाँ से? हाँ, मुझे फनागर से है, टिकैत महेंद्र सिंह टिकैत की सिसोली से। सिसोली के पास। अच्छा, तो क्या लगता है कि किन लोगों को आप इस तरह से जागरूक कर रहे हैं, सरकार को या फिर यहाँ के लोगों को? सरकार को। तो दिखता है कि सरकार कुछ मानेगी बातों को लेकर? नहीं मानेगी, क्यों नहीं मानेगी? मानेगी सरकार को तो, क्योंकि सरकार ने अभी तक जितनी भी वार्ता की है उसके अंदर किसानों के संशोधन बिल का बोला है कि संशोधन हो जाएगा। आपकी मुख्य मांगे जो है वो थोड़ी बहुत रह गई, बाकी मांगे तो मानी जा रही है, फिर किसान क्यों नहीं मान रहे उस बात के लिए? नहीं, किसान कुकर मान जाएंगे, हम तो नुचाएं ये सारे तीनों कानून हमारे बिल्कुल जड़वट जा, इस पे मानेंगे नहीं, इस तरह कम मानने के नहीं। तो जिस तरह से लगता है कि किसान यहाँ जुड़ते जा रहे हैं, आप भी मुजफ्फरनगर से हैं, कितने लोग हैं आप लोग? हम जो है 100 लोग हैं। 100 लोग हैं, तो कितने दिन से आप यहाँ पर? हम यहाँ 3-4 दिन से ही हैं। 3-4 दिन से यहाँ। तो लगातार आप लोग इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं या कुछ अलग अलग भी कर रहे हैं? नहीं, अलग अलग भी कर रहे हैं। अच्छा, हमने ये तरीका अपना, कुछ लोग अपने तरीके से मान रहे, सब अपने तरीके से मान रहे। तो लगता है कि कुछ लोग मान जाएंगे इस बात से कि मीडिया भी आपको सपोर्ट कर रहा है? मीडिया तो सपोर्ट कर ही रही है हमें, मीडिया हमारी बात मतलब पूछा रही है, थोड़ा सपोर्ट है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इससे? बस सरकार को यह मैसेज देना चाहिए, हमारा ये बात मान ला, हम अपने घर की डब्बू चले जा। तो ये काफी परेशानी देखनी पड़ती है, क्योंकि परेशानी ऐसे जड्डे में यहाँ पड़े और इससे ज्यादा परेशानी क्या होगी? तो कहते हैं कि खाने पीने की तो कोई परेशानी नहीं है किसान को? नहीं, खाने पीने तो आज कोई खाए नहीं रहा किसान, आज तो सब उखड़ता हुए बैठे, परेशानी कहाँ से होगी? अनाज जब किसानों का जी, आज उपवास पे, आज तो उपवास पे, आज ये किस टाइम से किस टाइम तक उपवास रहेगा? उपवास वहाँ तो शाम तक तो रहेंगे, 5 बजे तक। हाँ, तो अन्न और पानी वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो देख सकते हैं किस तरह से अपना जो इन्होंने प्रदर्शन दिखाया है वो भी आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ तरीके से। और वहीं इन्होंने बताया है कि इन्होंने आज पूरे दिन का एक उपवास रखा है, सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर सरकार इस तरह से नहीं मानती है तो ये अपना आंदोलन आगे जारी रखेंगे।